नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आइजक मॉनिटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए WhatsApp पे पेमेंट लिंक इनेबल कैसे करें इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों ने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऐप इंस्टॉल है WhatsApp, उसमें अब भी पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छी ट्रिक बताऊँगा कि आपको बिल्कुल आसान कि एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी ऐप इंस्टॉल भी कर ली होगी, अपडेट भी कर ली होगी, और कुछ लोगों ने आपको ऐसा भी कहा होगा कि आप पहले उसको डिलीट करो और तब जाके उसे इंस्टॉल करना प्ले स्टोर से, लेकिन तब भी आपको पेमेंट लिंक इनेबल नहीं हो रहा है। हाँ दोस्तों, आपको पेमेंट लिंक जब भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जी हाँ, बिल्कुल स्किप मत करना। यदि आपको अपने फ़ोन में अपने WhatsApp पे से पेमेंट लिंक इनेबल करवाना है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहना। ना ही आपको किसी बीटा वर्जन की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आपको किसी ने बताया कि आपको बीटा वर्जन डाउनलोड कर लो, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है ऐप, उसी के द्वारा मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लंबा ना करते चलते हैं वीडियो की ओर, और आपको बताते हैं एक ऐसी ट्रिक जो आपने कभी नहीं सुनी। तो अब हम अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर है और चलते हैं अपने WhatsApp पर। हम अपने WhatsApp पर आ चुके हैं। दोस्तों मेरे WhatsApp में WhatsApp पे का यानी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो दोस्तों, अब मैं इसको क्या करूँगा, ऐड पेमेंट मेथड। जैसे हम ऐड पेमेंट मेथड करते हैं तो हमारे सामने कैसे इंटरफेस आता है कि एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। जैसे हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे सामने एक बैंकों की लिस्ट सामने आ जाएगी। आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों कि आपको जो WhatsApp जिस नंबर से आपने बना हुआ है, और वही नंबर जिस बैंक में है उसी बैंक को सिलेक्ट करना है। तो मैं अपना बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, मैं सर्च मार लेता हूँ पंजाब। दोस्तों उसमें हमारे जो इस टाइम पे ओरिएंटल बैंक है उसको पंजाब में कह जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ओरिएंटल बैंक का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं ओरिएंटल ही करूँगा। अब आपको कहते हैं कि वेरीफाई विया SMS, यानी कि आपके पास एक SMS आएगा। आपको जितनी भी ये परमिशन मांगते हैं आपको अलो करनी है, 1 2, ये वेरीफाई योर फ़ोन नंबर आपका। अब मैं अपने बैंक अकाउंट को ऐड करूँगा। कुछ बैंक मैंने अपने पहले ऑलरेडी ऐड किए हैं, बट मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि एक और बैंक ऐड करके कैसे ऐड करते हैं बैंक को। ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करते हैं तो एक बैंकों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको अपने बैंक का नेम सर्च करना है। जैसे मेरा बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक,
ये आ गया। जैसे ये हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट आ गया, शो कर रहा है नेम मेरे अर्जुन सिंह, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ देर के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए बैंक आ गया है कि बैंक अकाउंट वाज एडिट सक्सेसफुल्ली, तो ओके पर क्लिक करेंगे और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर इस लिस्ट में कि पेटीएम पेमेंट बैंक भी ऐड हो गया है। मैंने ऑलरेडी पहले अपने 3 बैंक और ऐड किए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ये लाइव दिखाया। अब दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पैसे कैसे भेजते हैं। जैसे मैं इस नंबर पर पैसे भेजूंगा, मैं 1 रुपया डालूँगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जितने अमाउंट भेजनी है वो डालना है। जैसे मैं 1 रुपया भेजता हूँ, अब अमाउंट भरने के बाद आपको अपना UPI पिन जो एक गुप्त होता है, इसको आपको किसी को बताना नहीं या शेयर नहीं करना। आपको वहाँ पर अपना पिन डालना होता है जो आपका गुप्त पासवर्ड होता है, ठीक है। तो मैं चलिए मैं डाल लेता हूँ अपना जो मेरा पिन नंबर है। ये तो दोस्तों कह सेंड टू पिंग जो प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ ही देर में इसमें कंप्लीटेड आ जाएगा लेकर। जैसे मैंने पहले भी ऑलरेडी इनको पैसे भेजा हुआ, तो लेकिन मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखिए कंप्लीटेड हो गया है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है और उनके पास ये पहुँच चुके हैं 1 रुपया। तो ऐसे ही आप एक व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा एक आसान तरीके से पेमेंट अपने किसी भी रिलेटिव को या दोस्तों फ्रेंड को किसी को भी भेज सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों इससे करना। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे फ़ोन में ये पेमेंट लिंक कैसे आएगा, या आप चाहते हैं कि हमें भी ये फीचर्स मिले, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम के लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए। आप टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पर आपको क्लिक करना है और लिखना है आई वांट्स पेमेंट लिंक, ये टाइप करना है आपको। दोस्तों आपको मैं अपनी ओर से लिंक भेज दूँगा और आपका व्हाट्सएप में पेमेंट लिंक्स आ जाएगा। दोस्तों फिर यदि अब बात आती है कि आपके पास यदि व्हाट्सएप पेमेंट लिंक तो आ गया, लेकिन यदि हम किसी और को अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव अपने फैमिली मेम्बर को उस पेमेंट को अपने ज़रिए एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ न्यू पेमेंट आएगा, न्यू पेमेंट आने के बाद आपको सामने जितने भी आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट होंगे वो सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस जो भी मतलब जिसके व्हाट्सएप पर ये लिंक अवेलेबल नहीं है उसको क्लिक करना होगा। मैं जैसे कर लेता हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक नोटिफाई दिख रहा है कि सेंड टू अनदर UPI ID, तो आपको क्या करना है नोटिफाई करना है। जिससे आप नोटिफाई कर देंगे तो उसके पास मैसेज चले जाएगा, देखिए ये आ गया है, देखिए यू नोटिफाई आशीष जियो जे दैट यू आर ट्राइंग टू सेंड ए पेमेंट, ठीक है दोस्तों। तो उसके पास ये लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आएगा तो हमें कमेंट लाइक ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।